बालों से तुझे सजाते सजाते मैं भी बुढ़ा गई हूँ। पता नहीं कब कोई लड़का तुझे पसंद करेगा। वो लड़का बहुत तकदीर वाला होगा जिसकी शादी वीना से होगी। जबान चलाना बंद कर। जमाना बदल गया है लेकिन ये लोग नहीं बदलने वाले। बस एक बार मैं खुद लड़का ढूंढ लूँ फिर देखना कैसे लड़कों की माएं मेरे पीछे पीछे घूमेंगी। तेरे इस पागलपन की वजह से कोई घर तक आता ही नहीं। पता नहीं उन्हें कौन भगा देता है। पागल मैं नहीं वो है। मुझे ना कह क्या। दीदी पहले चाल चलो। ए चले कल चल फुटना। तू औरत ही नहीं है इसीलिए शादी से डरती है। क्या कहा। मैं तो पैदा ही शादी का निकले हुई हूँ। वो क्या है ना मेरी किस्मत में कोई राजकुमार है। इधर आ। क्या हुआ। मैं हीरो दिख रहा हूँ ना। जोकर दिख रहे हो। देख सच बोल। वैसे कभी कभी हीरो लगते हो। देखा सच्चाई कभी नहीं छुपती। ये बिना चॉकलेट के नहीं बोल सकता था। अरे कोई काम धंधा नहीं है क्या। आज वीना बिटिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पता है लड़का वीना को देखते ही फौरन रिजेक्ट कर देगा। फिर वीना मुझसे रिक्वेस्ट करेगी कि मुझसे शादी कर लो। फिर मुझे मजबूरन उसी से शादी करनी पड़ेगी। वो कुंवारी रह जाएगी पर तुमसे शादी नहीं करेगी। बेटा ऐसा कब तक चलेगा। एक ना एक दिन तो तुझे शादी करनी है। अब इस लड़के को ना मत कहना। मैं आपकी बात समझ रही हूँ माँ। मैं मंदिर जाकर प्रार्थना करूँगी कि आज मेरा रिश्ता पक्का हो ही जाए। किसी ने हमें साथ देख लिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। छोड़ ना यार अगर कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि तू मेरा नौकर है। अच्छा सुन वैसे तो किसी काम का है नहीं पर मेरा काम कर दे। इसने तो मजनू की जगह रामू बना के रख दिया। सुन कल्लू तुझे याद तो है ना कि तुझे क्या कहना है। अरे अब तो बाय हार्ट हो गया है। यही तो बोलना है कि 8 महीने बाद तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। उसके बाद कहूँगा तुम मेरे प्यार में पागल। पहले 4 लड़कों को भूल गया। तेरी शक्ल देखकर मान नहीं रहे थे। कितनी मुश्किल से उन्हें भगाया। देसी घी के बने लड्डू खा गए। अरे जा वो आ गया। रुकना लड़का कितना हैंडसम है। इसे घर आने देते हैं। मैं जाकर हाँ कह दूंगी। कुछ ऐसा बोल के घर आकर फटक से हाँ कह दे प्लीज। भाई साहब देवा के घर जा रहे हो। हाँ ये वही लड़की है जिसे देखने जा रहे हो। लेकिन ये मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो हम दोनों मर जाएंगे। अगर तुम यहाँ से चले गए तो हमारे बच्चे तुम्हें मामा बोलेंगे। देवा के घर लड़की देखने जा रहे हो। हाँ वैसे तुमसे मिलने के लिए लड़की यहाँ आ गई है। हेलो वैसे ये यहाँ क्यों आ गई। घर पर आराम से मिलते। ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अगर तुम यहाँ से वापस चले जाओ तो इनकी शादी हो जाएगी। बस यही बोलने के लिए यहाँ आए हैं। ये भी हाथ से गई। हाँ हाँ जानता हूँ लड़की काफी सुंदर है। ना बोलना मुश्किल लेकिन तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। हैप्पी बहुत ज्यादा। कौन हो तुम। मैं देवा का बेटा हूं। भैया कौन है ये। तुम्हारे पापा। दीदी हमारा जय। बेटा आखिर तुम अपने घर आ ही गए। मम्मी नहीं आई। उन्हें कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाई। हाँ
वीना, ये गाड़ी जानी पहचानी लग रही है ना? जय, ये प्रदीप अंकल। सब लोग एक ही जगह पर जमा क्यों है? कहीं उसने सब कुछ बता तो नहीं दिया? बाप रे, मुझे तो मार मार के भरता बना देंगे। मैं तो चला। ए, रुक रुक रुक। हमने जो भी किया है साथ में किया है, तो अंदर भी हम साथ में ही चलेंगे। क्या साथ में किया? तुम तो कभी मुझे छूने का भी मौका नहीं देती। मुझे ऐसे मत फंसाओ तुम। हेलो, बस मेरी कमी थी। नमस्ते। ऐसे घूर के क्या देख रही है? ये अपना जय है। हाँ, ये लता दीदी का बेटा है। जय, तुम अब तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही थी। हाँ, तुम्हारी माँ वो कैसी है? वो अच्छी है। ओ, डेली वन पैग। पिछले 20 सालों से यही मेरा साथी है। विल यू हेल्प? नो, आई एम फाइन। तो तुम क्या करते हो? मैं एक आर्किटेक्ट हूं। ओके, काफी रात हो गई है। गुड नाइट, बाय। बेटा जाए, तुम यही सो जाओ। ऊपर वाले कमरे में शायद मच्छर होंगे। अब कोई बात नहीं, मैं ऊपर सो जाऊंगा। गुड नाइट। अंदर क्या झांक रही हो? किसी ने उसे चाय कॉफी दी या नहीं तो मैंने सोचा। तो क्या तुम्हारे इस तरह अंदर झांकने से कॉफी बन जाएगी? नए कपड़े? हाँ, ये नए कपड़े जय के लिए हैं। मेरे लिए तो नए कपड़े कभी लेकर नहीं आए। 3 साल पहले ही दिलाए थे, भूल गई? तू आ जा अंदर। आज घर में कोई फंक्शन है क्या? हैप्पी बर्थडे। ओह गॉड, थैंक्स। आज मेरा बर्थडे है, मैं भूल ही गया। अच्छा, तो आज तुम्हारा बर्थडे है। बचपन से देख रही हूँ, आज का दिन हर साल इस घर में धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा बेटा। नमस्ते। तुम चाहते हो कि वो 1500 एकड़ की जमीन उन्हें मिल जाए, तो जिसकी जमीन है उससे बात करो। ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आपको कमीशन भी मिलेगा। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? और तुम जानते हो हमें किसने भेजा है? माधव ने। अगर तुमने बात मान ली तो माधव भैया भीख में तुम्हारी जान बख्श देंगे। जान लेना देना ऊपर वाले के हाथ में है, पर हम गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम उन्हें कुछ पैसे भी देंगे। कुछ पैसे? बेचारे किसान रुपए पैसे का मोल क्या जाने, उन्हें तो बस खेती करना होता है। आप लोग बड़ी दूर से आए हैं, चाय नाश्ता करके जाना। इतने सालों तक तो तुम चूहे की तरह बिल में घुसे रहे। माधव भैया दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर माधव भैया के सोए हुए आतंक को जगाया तो तुझको और तेरे पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देंगे। चुप साले, काट डालूंगा। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, अब तुम यहां से जा सकते हो।
गांव के 600 परिवार सिर्फ एक आदमी के भरोसे जीवन जी रहे हैं। तूने उनको धमकाने की कोशिश भी कैसे की और वो भी मेरे यहां होते हुए। देवा की रहम दिली की वजह से आज तू इस गांव से जिंदा वापस जा रहा है। पिछले 20 साल से जो हुआ उसे भूल जा। अब उनका बेटा आ गया है, जाके बोल उनका बेटा आ गया है।